दूसरा जो लोग कहते हैं कि जीवो जीवस्य भक्षणम, जीव जीव का भक्षण करते कोई पाप नहीं लगता, उनको मैं एक उत्तर देना चाहता हूं। मित्र पहला तो उदाहरण ये है कि मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। कैसे नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए, जो भी नास्तिक रूप में तार्किक लोग जो तर्क पर आधार पर आप बैठे सुनना चाहते हो, जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए हैं, वो सबसे सबके सब प्राणी जन्म के समय आंखें बंद पैदा होते हैं। आप एक एक को देख लीजिए, कुत्ता शेर चीता बिल्ली गीदड़ शियार जितने भी मांसाहारी प्राणी है, वो सबके सब आंखें बंद पैदा होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी है, चाहे हाथी से लेकर के बकरी तक, घोड़ा ऊंट मनुष्य, सबके सब जन्म के समय आंखें खुली पैदा होते कि नहीं होते, आप बताओ होते कि नहीं होते। ये पहला फर्क है, कुदरत ने प्रकृति ने भगवान ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। दूसरा उदाहरण, जितने भी मांसाहारी प्राणी है वो सबके सब तीखे दांत लेके पैदा होते हैं, तीखे दांत होते हैं उनके। और जितने शाकाहारी प्राणी है उनके किसी के तीखे दांत नहीं होते। जितने मांसाहारी प्राणी उन सबके नाखून भी तीखे होते हैं, कुत्ता शेर चीता बिल्ली सबके तीखे नाखून होंगे। और जितने भी शाकाहारी आपके मेरे देख लो चपटे, घोड़े के चपटे, ऊंट के चपटे, बकरी के चपटे, भेड़ के चपटे, जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके सबके नाखून चपटे होंगे। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं वे सब जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से लकल आपने देखा होगा ना, जीभ से पानी पीते। और जितने शाकाहारी प्राणी है सब होठों से पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी है उनकी सबकी जठराग्नि अलग है, वो सीधा मांस अंदर पचा सकते हैं। और आप और हम, आप लोग जो लोग मांस खाते हैं वे लोग सीधा मांस खा नहीं सकते, मर जाओगे, आपको कोई उनको संसाधन लेना पड़ता। इसलिए कुदरत ने प्रकृति ने आपको मांस खाने के लिए बनाया भी नहीं, फिर भी आप उस जमात में जा रहे हो, थोड़ा विचार करो। और दूसरा, पाप कैसा करते हो आप, आडंबर धोखा आपके साथ बोल, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, आपके साथ छलावा किया गया, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए, आपके धर्म को नष्ट करने के लिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। और तो और आपके देवी देवताओं को नहीं छोड़ा। अब आपको यदि इस रस्ते पर लाना था तो जोग माया को बकरा चढ़ाओ, भैरू जी ने बकरो चढ़ाओ, भौमिय जी ने बकरो चढ़ाओ, उन्नी उन्नी आड़ में थोने मौस खोलाने रुतरी को ढूंढियो। अब मेरी भी देवी कुल देवी है, मेरी देवी कुल देवी नागणीचिया है, हिंगलाज माता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं स्वरूप नारियल, जिन्हें अभी लीलो नारियल कहा, स्वरूप नारियल ले जान माता जी ने चरणों में राख, और मैं वो ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं जो आप बकरे को चढ़ा के नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं आप लोग भी स्वरूप नारियल को चढ़ा करके माँ का आशीर्वाद ले नहीं सकते क्या? परंतु आपके साथ धर्म को किस प्रकार से घुसेड करके आपके जीवन को नष्ट कैसे किया जाए, ये विदेशियों की चाल थी और उसमें आप और हम सब बर्बाद हो गए। कल्पना कीजिए माता जी के मंदिर की